सभी तो ठीक तो है ना? हाँ जीजू, मुझे क्या होगा, ठीक हूँ। नहीं, लग नहीं रहा, क्योंकि गार्डनिंग करते टाइम तो कभी भी इतनी परेशान और इतनी मैसी नहीं देखी। बता, तू ठीक है ना पक्का? मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। अरे बताएगी भी या इस मिट्टी के साथ ही अपनी जोर आजमाइश करती रहेगी? मुझे पता है कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे बता सकती है। बताएगी नहीं ना तो अंदर ही अंदर खुद ही इस तकलीफ को सहती रहेगी। आज स्कूल गई थी चीजू, वहां मैंने आशका को देखा। मिस्टर रजत, मिस्टर कुमार से मिलने से पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अकेले में। अकेले में? अकेले में क्या बात करनी है? इस केस में मैं इन्वॉल्व हूँ, इस केस से रिलेटेड सारी बातें मेरे सामने होनी चाहिए। रजत, तुम इनसे अकेले में नहीं मिलोगे, जो भी होगा मेरे सामने होगा। ओके, तुम चली जाओ यहाँ से। लेकिन रजत, मैं बोल रहा हूँ ना, जिसको बोलो। रजत, मैं जानता हूँ तुमने सब सोच समझ के ही फैसला लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं श्योर होना चाहता हूँ, क्या तुम वाकई ये करना चाहते हो? मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम मुझे बहुत पहले से जानते हो, और ये भी जानते हो कि मैं ज्ञान से कितना प्यार करता हूँ। ज्ञान मेरी जिंदगी है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और ये जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं ज्ञान के लिए ही कर रहा हूँ। अगर इस केस में कुछ भी गलत हुआ तो इसका असर उस बेचारे बच्चे पर पड़ेगा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ज्ञान को तकलीफ में नहीं देख सकता, दैट्स इट। और हाँ, इससे पहले कि मेरी पूरी फैमिली मुझसे सवाल पूछे, सभी मुझसे सवाल पूछे, इस केस को खत्म करो। जो करना है करो, खत्म करो इसे। ओके रजत, अगर तुम यही चाहते हो तो आई प्रॉमिस, तुमने जैसे कहा वैसे ही होगा। इस बात के बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए, मम्मी पापा अमन स्पेशली, सभी को तो बिल्कुल भी नहीं। डोंट वरी, तुम्हारा ये राज मेरे पास सेफ रहेगा। सभी पता नहीं रजत ने ऐसा क्यों किया, उसने तुमसे झूठ क्यों बोला। मुझे मिला था वो स्कूल में, मैंने उससे कहा भी कि हम घर साथ में जाएंगे, लेकिन जब मैं वहां पर वापस पहुंचा तो रजत वहां पर था ही नहीं। उसने मुझे बताया भी नहीं कि उसका कोई और प्लान है। सर, हो सकता है कि शायद वो ज्ञान से रिलेटेड कोई बात हो। जहां तक मुझे लगता है, रजत और आशका ना सिर्फ ज्ञान के कारण ही कनेक्टेड है। मैं ये बात नहीं झुठला रही ना, मैं भी जानती हूँ कि रजत और आशका सही और ज्ञान के पेरेंट्स हैं। मैंने कभी भी रजत को ज्ञान के लिए कुछ भी करने से नहीं रोका, ना ही कभी रोकूंगी। रजत भी ये बात जानती है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे झूठ बोला। तकलीफ हो रही है मुझे इसी बात से कि उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला। तुम ज्यादा मत सोच। कैसे ना सोचूं? अगर आपको पता चले कि आपसे उस इंसान ने झूठ बोला जिसे आप सबसे ज्यादा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।